ये बैग भी जो है ना, ये भी बाहर से आया हुआ है। हमारे ज़्यादातर मतलब रिलेटिव्स जो हैं, भाई हैं, देवर जेठ जी हैं, वो लोग हमारे लिए लाते रहते हैं। तो जब भी पूछते हैं तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मेरे लिए बैग्स लाया करें, मुझे बैग्स बहुत पसंद हैं। तो ये भी बाहर का है, ये कॉलेज लाइफ के टाइम का है, तो ये पुराना है एक्चुअली कहने का मकसद, लेकिन ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ठीक है, तो ये हमारे क्रॉस बॉडी बैग्स भी हो गए हैं। अब हम चलते हैं जनाब अपने ब्रांडेड बैग्स की तरफ, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव हैं लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। डैट्स व्हाई मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट बैग की तरफ। तो यहाँ है मेरे पास मेरा एक बहुत प्यारा, बहुत फेवरेट सा बैग, ये देखिएगा, फैंसी है, शादी वगैरह में, पार्टीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारा बैग है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ये ना अलेक्जेंडर वैंग का बैग है, ओरिजिनल है ये, और मुझे बहुत पसंद है। डैट्स व्हाई एक्चुअली जैसे आए थे ना, इनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ ताकि ख़राब ना हो जाएं। और इनकी बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने एक देखी है वो ये, अच्छा इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ, इसके कार्ड्स वगैरह अपनी जगह पर ही हैं। अच्छा, मैंने अमूमन लोगों को देखा है आजकल बैग्स के साथ में ये हैंग किए, तो मुझे नहीं पसंद पर्सनली, मैं तो हटा के यूज़ करूँगी। इन्होंने साथ में ये भी दिए हुए हैं, ये भी अभी तक मैंने निकाले नहीं है, कुछ स्टोन दिए हुए हैं कि समटाइम्स अगर स्टोन हट जाएँ तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वक्त मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, जैसे आया था वैसे का वैसा मैंने रखा हुआ है इसको। ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है, आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बैग इज़ दिस। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट बैग की तरफ। तो ये है जनाब शनेल का, शनेल का मेरा बहुत फेवरेट है। शनेल काफ़ी टाइम से जो है ना, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे भी बहुत पसंद था, डेट्स पर सोचा ये मंगा लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये है वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे बैग ज़्यादातर ब्लैक और स्किन कलर्स में ज़्यादा पसंद होते हैं, आपने देखा होगा ब्लैक, ब्राउन स्किन ज़्यादा मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो ये भी ब्लैक कलर में है, बहुत प्यारा बैग है। इसके साथ भी काफ़ी सारे कार्ड्स थे, ये मैंने यूज़ कर लिया हुआ। ये इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, हर चीज़ पर उन्होंने जो है ना इसको कवर करके भेजा था। बहुत प्यारा बैग है, मुझे बहुत पसंद आया ये। और अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके आपने बताना ज़रूर है, ठीक है। बाद में इनको पैक करती रहूँगी, फिल वक्त जो है तो हम इनको कर लेते हैं साइड पे। और यहाँ हम देखते हैं वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, ये भी मैंने ब्लैक कलर में ही लिया था। ये है इंक्लूडेंट है, ये जो भी है वट एवर, इनके तो एक तो नाम इतने अजीब होते हैं। वो जो मैंने आपको इसकी फ़र्स्ट कॉपी दिखाई थी ना, एक्चुअली ये ओरिजिनल है इसका, ठीक है। तो ये है जनाब, और अच्छा इसमें भी जो है ना काफ़ी सारे इन्होंने कार्ड्स वगैरह दिए हुए थे। है मैंने ये यूज़ कर लिया हुआ है बैग, लेकिन मैंने अच्छा ये जनाब ये देखिए गए, मेरी सबसे फेवरेट चीज़, मैं मुस्कारे के बगैर मैं गुजारा नहीं, निकाल लेती हूँ कहीं इसी में ना पड़ा रहे। तो जनाब मेरा फेवरेट बैग, वन ऑफ मोस्ट फेवरेट। तो इसको भी बाद में जो है सेट करेंगे। अब हम दिखाते हैं आपको अपना एक और फेवरेट बैग अगेन, ये भी मैंने ब्लैक कलर में लिया था, जो और काफ़ी हिट चल रहा है, लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। अच्छा इसमें एक कलर था स्किन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो स्किन कलर में, पता नहीं इसमें वो ग्रेस नहीं थी जो इसमें ब्लैक कलर में थी ना, उस स्किन में नहीं थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ब्लैक में ही अच्छा लगा था, तो मैंने फिर ये ब्लैक में ही लिया था। और ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, और इसके साथ ये बहुत, मुझे ये चीज़ भी इसकी काफ़ी मज़े की लगती है, देखिए बहुत नाइस सी चीज़ है ये। चेन वगैरह बनी हुई है इनकी, और इसकी अमूमन बैग्स के ना यहाँ ऊपर की तरफ टैग्स वगैरह जो भी लगा होता है इन्होंने यहाँ साइड पर दिया हुआ है शोल्डर्स पर, ठीक है, फ्रंट पर आता है ये। और कुछ इस तरह से इसमें, इसमें भी स्पेस काफ़ी है, और मोबाइल और कार्ड्स वगैरह आप आसानी से रख सकते हैं। अगेन ये मार्केट तो लेके जाने का बिल्कुल भी नहीं है, कि आपकी कोई बिज़नेस मीटिंग्स है या कोई ऐसी चीज़ जहां आपको लगता है कि आपको ऐसे बैग लेके जाने चाहिए, वहां लेके जाइए, ठीक है। मार्केट्स में या है यूनिवर्सिटी गोइंग में भी लड़कियाँ यूज़ करती हैं, क्योंकि थोड़े से अच्छे शो ऑफ भी करने होते हैं समटाइम्स। कुछ फेवरेट बैग्स हैं चारों, इनको मैंने जैसे आए थे वैसे के वैसे मैं इनको जो है ना यूज़ करने के बाद दोबारा से इसी तरह से संभाल के रखती हूँ कि ख़राब ना हो जाएं, बस अंधे मुझे डेट्स वाई। ये वाला मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया अभी तक, फैंसी वाला, इसका देखते हैं कब कहाँ यूज़ करेंगे हम। ये लोकल मार्केट के बैग्स हैं, ये भी मेरी शादी के बैग्स में से एक है, ये वाइट और ब्लू, वाइट और रेड दो कलर्स में हमने लिए थे, एक मैंने लिया था, एक छोटी ने, हमारी शादी साथ में हुई थी ना, तो एक ये बैग है, अभी तक सही सलामत है। इसमें जो वाइट वाला है एक्चुअली वो चला गया, कहीं ज़ाया हो गया है अब तक। तो इसको भी हम दो तरीक़ों से कैरी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके साथ वो भी था, ये चीज़ भी थी
स्ट्रैप्स वगैरह भी थे इसके साथ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप यूज़ करना चाहें तो ये भी। अच्छा, ये बैग मेरा हो गया है ख़राब, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग में यूज़ करती हूँ। इसमें बहुत स्पेस होती है, आप कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं, आप ज्वेलरी वगैरह अलग से बॉक्स में डाल के आप इसमें रखें। पुराना हो गया लेकिन फिर भी ये एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप इस तरह के बैग्स आपको कहीं पर नज़र आए ना तो फ़ौरन ले लें, ये उस तरीके से यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। ये भी मेरा एक फेवरेट बैगों में से है। ये क्या था कि लास्ट ईयर, ये शायद 2-3 साल हो गए, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड में था तो मैंने ले लिया, लेकिन मैंने बहुत यूज़ नहीं किया इसे। मुझे ये भी बहुत कलर जो है इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा इसका चेंज किया था, ब्राउन से मिलता जुलता ये, लेकिन चले मैंने कहा ब्लैक से हट के कुछ लेते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे अपने हाथों का बनावा बैग है। ये मैंने जीन्स से बनाया है और ये बहुत प्यारा सा बैग है। अच्छा, इसमें बीच में मैंने यहाँ पे एक गत्ता कट करके रखा था, वो अभी इस वक्त इसमें नहीं है, शायद किसी बच्चे शच्चे ने निकाल दिया होगा। तो ये बहुत प्यारा सा बैग है, मुझे इतना नाइस लगता है। अच्छा, ये जो बैग है ना, ये एक्चुअली मैंने खुद बनाया हुआ है, मैंने जीन्स से बनाया था। भाइयों की रफ़ जीन्स घर में पड़ी हुई होती हैं एक्स्ट्रा, तो आप उनमें से बना लें। ये बहुत इजी बन गया था। इसमें यहाँ नीचे मैंने एक गत्ता कट करके रखा था, वो मेरी छोटी छोटी भतीजियाँ हैं ना, वो हमेशा निकाल देती हैं चीज़ें, तो इसमें ईज़िली ये जिपी लगी हुई है। बीच में मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनाई हुई है, काफ़ी जगह है। आप बच्चों वाली हैं अगर तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपने पैम्पर भी रखना होता है, आपने वाइप्स भी रखने होते हैं, 2-4 चीज़ें और भी रखनी होती हैं, तो ये उस तरह के बैग्स उस हिसाब से ना आप इसको बहुत आसानी से। ओके, ये मेरा एक और बैग है एक्चुअली, अभी इसको मैंने पूरी तरह से अनबॉक्स भी नहीं किया है। ये रात ही मेरा भाई लेके आया था मेरे लिए, UAE से आया, माशाल्लाह पाक सलामत रखें, फिर से आ गया है। तो मैंने सोचा मैं इसको भी अपनी वीडियो का पार्ट बना लेती हूँ, क्योंकि वीडियो ना मुझे अपने ये जो आप देख रहे हैं बैग्स का वीडियो बनाते हुए 1 हफ़्ता हो चुका है, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, शायद इसीलिए कलम ये जा रहे थे कि अपना नया बैग भी आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो ये है मेरा एक बहुत प्यारा फेवरेट सा बैग, मैंने इसको बाकी के ब्रांड्स थे ना मेरे पास, तो मैंने इसको स्पेशली कहा था इस बार मेरे लिए ना ल्यू विटॉन का कुछ बैग ले आना। एक्चुअली वो मेरे लिए अबाया लाना चाह रहा था तो मैंने मना किया था, क्योंकि मेरे पास अबाया काफ़ी है अबायाज मेरे पास, तो वैसे मुझे बैग्स का भी शौक चढ़ा हुआ था, तो मेरे लिए वो ये ले आया। फिर साथ में प्यारा सा पाउच है छोटा सा, बहुत क्यूट सा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। साथ में ये भी दिया हुआ है जनाब, ये साइड पे ऐसे ही आएगा, यहाँ पे बीच में नहीं आएगा, मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा। वैसे भी यार बहन भाई घर आते हैं वापस तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, ऐसे ही लगेगा इसमें, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं आपको अपनी सिस्टर का बैग भी दिखाऊँगी, वो लेके आया, वहीं से हम सारों के लिए लाया था ना, तो पता नहीं मैंने ये ठीक लगाया है कि नहीं, चलिए मैं देखूंगी। बाकी ये बैग बहुत प्यारा है, इसमें बहुत स्पेस है, जिप नहीं है ऊपर, इस तरह से बंद होने का सिस्टम है इसका, ये इस तरह से बंद हो गया, ठीक है, जिप नहीं है। तो लेकिन ये मेरे लिए इस खाते में बहुत काम का है कि मेरे पास, मेरा ज़ाहिर है कि बाहर आती जाती हूँ, तो अब मेरे पास बेटा है मेरा माशाल्लाह से, अल्लाह पाक सलामत रखें, तो होता ही है कि जब बच्चा साथ में होता है 1-1.5 साल का ना, तो एक बेबी बैग आपको ट्रैवल करने के लिए हर हाल में चाहिए होता है। लेकिन सम टाइम्स अब मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास मैंने कहीं बाहर जाना है अपने बेटे के साथ, तो इंशाल्लाह इसमें अच्छा खासा सामान आ जाएगा और इसमें बहुत स्पेस है, और ये मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है, ये भी आ जाएगी बीच में। अब मैं आपको अपनी सिस्टर का बहुत प्यारा सा बैग दिखाने लगी हूँ। ओके, ये रहा छोटी का सिस्टर का बैग एक्चुअली, और ये बहुत प्यारा है, पराडा का है ये, और इसमें भी काफ़ी स्पेस है, मुझे अच्छा लगा। सिंगल है भाई उसके लिए तो बहुत अच्छा है, वैसे भी अब उसे यूनिवर्सिटी जाना है तो उसके लिए बहुत काम की चीज़ है ये, तो मुझे बहुत प्यारा लगा ऑनेस्टली, जैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगेन हमारे खाते में बैग जो है ना वो ब्लैक कलर में बहुत आते हैं, जैसे कि आपने बाकी सारे ब्रांड्स के देखे वो भी ज़्यादा ब्लैक कलर में ही थे, और ये जो है ना ये भी ज़्यादा ब्लैक कलर में ही आए हैं इस बार। तो इसको हम खोल के मैं आपको दिखाती हूँ इसकी प्यारी सी लुक, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये भी रात के वही लाया था, मैं आपको रात के टाइम की एक शॉर्ट सी क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत हड़बड़ी मची हुई थी, रात को लेट भी हो गया था, लेकिन हम चीज़ें छोड़े बगैर ना देखे बगैर सो भी नहीं पा रहे थे, और मुझे अनबॉक्सिंग करना था, तो मुझे वो डिटेल एक छोटा सा व्लॉग में जो आप लोगों के साथ शेयर करना था तमाम चीज़ों का, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा कॉस्मेटिक्स मंगवाया हुआ था, तो इंशाल्लाह वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये रही जनाब, इसको अनबॉक्स करने के बाद बहुत प्यारी सी लुक। एक्चुअली इसके पास सामान बहुत ज़्यादा था, तो उसने बॉक्सेस वगैरह सब जमीन पे छोड़ दिए, शुक्र है बैग्स आ गए हैं। तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये शॉर्ट सी कलेक्शन थी मेरे पास बैग्स की। ओके, तो ये वो लम्हा है रात में जब तकरीबन रात के 2:30-3 बज रहे थे और हम सब अपनी अपनी चीज़ें देख रहे थे,
तो ये बैग्स है सारे, मेरा था, सिस्टर का था, और ये वाइट वाला जो था तो ये मेरी होने वाली भाभी के लिए था। ये भी बहुत अच्छा था, गुच्ची का था और वाइट कलर में था, बहुत प्यारा था। तो अब चलते हैं हम वापस अपने वीडियो की तरफ। मैंने स्टाइलो से लिया था तायमी के लिए, छोटी ने मंगवाया था, उनको उम्र पे जाने के लिए देना चाह रही थी, लेकिन तायमी बिल्कुल यूज़ नहीं करती वो, जैसे मैंने आपको सिल्वर वाला दिखाया ना उस तरह के क्लचेस ज़्यादा यूज़ करती, वो वाला भी वो यूज़ करती हैं, तो जैसे क्लच वगैरह यूज़ करती है ये बैग वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही थी। मुझे बहुत पसंद है, जब से आया एक्चुअली इसको मैं ही यूज़ कर रही, तो अब ये मेरा ही है, उन्होंने मुझे ही दे दिया हुआ है, तो ये मैं मार्केट ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे समटाइम्स होता है ना दुपट्टे भीगो कराने होते हैं, कुछ मैचिंग हमें लेसेस लेनी होती है, कुछ ना कुछ रखा होता है, तो मैं उसको अलग शॉपर में कभी भी नहीं रखती वो चीज़ों को जो है ना मैं अमूमन। तो इस तरह से ना आपने कुछ चीज़ मैचिंग वगैरह करनी होती है ना, तो मैं ये बैग और इस तरह के बैग्स जो, ये दोनों जो बैग्स हैं ना ये मेरे फेवरेट हैं, और मार्केट ले जाने के लिए मैं प्रेफर करूँगी, आप लोगों से भी ये कहूँगी, क्यों ये होता है कि इसमें हमारे साथ में दुपट्टे भी आ जाएंगे, लेसेस वगैरह जो भी छोटी मोटी चीज़ें मैं लेती हूँ मैं अलग से शॉपर में नहीं रखती, गुम हो जाती हैं अमूमन, तो मैं इसमें रख लेती हूँ बैग्स, इसलिए बड़े लेके जाती हूँ, साथ में छोटे 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 दो क्लचेस दिखाए थे ना, तो उनको मैं इसके अंदर रख लेती हूँ ताकि जो है तो आसानी हो, पैसे वगैरह भी हमारे सेव रहते हैं और हमारी चीज़ें भी ज़ाया होती हैं। तो मुझे बहुत पसंद है अपनी बैग कलेक्शन, आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नया कुछ बहुत प्यारा करते हुए। आपको मेरे बैग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए कुछ बहुत प्यारा। अपना अपने प्यारों का रखिएगा ढेर और ढेर ख्याल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।